अब बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बहुत ही खतरनाक खूनी बॉक्सर के बारे में करते हैं, जिसे जब तक पुतिन का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इस खूनी बॉक्सर से लड़ने के लिए जेलेंस्की ने भी अपना वॉर बॉक्सर बॉर्डर पर भेज दिया है। जंग के मैदान में किसका बॉक्सर भारी पड़ेगा, कौन किसको धूल चटाएगा, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। युद्ध में विजेता वही होता है जिसके पास सेनापति अच्छा होता है। पुतिन के कई सेनापति दगा दे गए, लेकिन पुतिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। अब पुतिन ने रूस के सबसे खतरनाक और खौफनाक बॉक्सर्स पर अपना दांव लगा दिया है। जेलेंस्की की चुनौती से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे फेवरेट बॉक्सर को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। इस बॉक्सर का नाम है निकोलाई वेल्युएव। पूरी दुनिया की बॉक्सिंग हिस्ट्री का सबसे ऊंचा बॉक्सर, सबसे लंबा बॉक्सर, सबसे ज्यादा वजन वाला बॉक्सर, निकोलाई वेल्युएव। सिर्फ एक नहीं, पुतिन ने रूस के ही एक दूसरे बॉक्सर को भी जंग के मैदान में बुलाया है। युद्ध को और भी दिलचस्प बना दिया है। और जेलेंस्की की सेना से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे फेवरेट बॉक्सर को जंग के मैदान में भेजने का फैसला लिया है। तो इसके जवाब में जेलेंस्की ने भी अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर उर्सी को जंग के मोर्चे में उतार दिया। अलेक्जेंडर उर्सी पर जेलेंस्की को बहुत भरोसा है। अलेक्जेंडर उर्सी ने युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के आर्मी के जोश को बूस्ट करना शुरू भी कर दिया है। यही नहीं, अलेक्जेंडर उर्सी ने पुतिन को चैलेंज भी दिया है। क्या चैलेंज दिया है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये मुकाबला क्या है। पुतिन ने दो बॉक्सरों को जंग के लिए बुलाया है, निकोलाई वेल्युएव और व्लादिमीर मिनेव। और जेलेंस्की ने अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर उर्सी को जंग के मोर्चे पर भेज दिया है। कौन सा बॉक्सर किस पर भारी पड़ेगा, सबसे पहले निकोलाई वेल्युएव की बात करते हैं। निकोलाई वेल्युएव की लंबाई 7 फीट है और निकोलाई वेल्युएव का वजन 150 किलोग्राम है। निकोलाई ने आज तक रूस के लिए 53 बॉक्सिंग मैच खेले और इनमें से 50 बॉक्सिंग मैच निकोलाई ने जीते हैं। निकोलाई सिर्फ 3 बॉक्सिंग मैच हारे हैं। इसलिए निकोलाई पर पुतिन को जबरदस्त भरोसा है। पुतिन को यकीन है कि निकोलाई बॉर्डर पर जाएंगे और रूस का झंडा लहरा देंगे। पुतिन को खुद भी बॉक्सिंग और खेलों में काफी रुचि है और इसीलिए वो खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं। निकोलाई के भीमकाई रूप को देखते हुए दुनिया में निकोलाई को बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। निकोलाई ने पहली बार साल 2005 में WBA हेवीवेट खिताब जीता था। वेल्युएव ने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहकर रूस का नाम रोशन कर दिया। बॉक्सिंग के रिंग में रूस का झंडा गाड़ने के बाद निकोलाई ने रूस की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और सांसद बन गए।
लेकिन यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के 6 महीने बाद जब पुतिन यूक्रेन में बहुत मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं और खार्किव, इज्यूम और लीमान में हारने के बाद पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद बॉक्सर को यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। निकोलाई वेल्युएव ने बयान दिया है कि मुझे भी पुतिन सरकार की तरफ से एक सम्मान मिला है, सवाल यह है कि क्या मैं जाऊंगा। बेशक मैं अब रूस की सेना में भर्ती होने के लिए भर्ती कार्यालय जाऊंगा, अब मैं यूक्रेन के डॉनबास की यात्रा करूंगा। लेकिन पुतिन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि निकोलाई वेल्युएव तो अभी जाने की तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर उसी को जंग में उतार भी दिया है। कितने खतरनाक है उसी, जरा उनका ये बायोडेटा देखिए। 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलेक्जेंडर उसी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता, 2012 की चैंपियनशिप में भी उसी ने गोल्ड वाला मुक्का जड़ा। जेलेंस्की खुद अलेक्जेंडर उसी की जीत पर उनको बधाइयां देते हैं और इन्हीं अलेक्जेंडर उसी ने कैसे पुतिन को एक सख्त संदेश भेजा है, जरा देखिए। Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. उसी भले ही पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन खुद जूडू कराटे में ब्लैक बेल्ट है। शायद यही पुतिन के बेहद आक्रामक होने की वजह भी है। अपने इसी शौक के चलते पुतिन अपने विरोधियों पर हावी होना चाहते हैं और उन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर रखते हैं। लेकिन पुतिन से यूक्रेन के बॉक्सर अलेक्जेंडर उसी की दुश्मनी काफी पुरानी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में किसका बॉक्सर किस पर भारी पड़ेगा, ये सवाल अहम है। और अब सवाल ये है कि क्या पुतिन का खतरनाक बॉक्सर उन्हें जीत दिला पाएगा, क्योंकि जेलेंस्की भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी अपने सबसे जबरदस्त बॉक्सर को जवाबी मोर्चे पर उतार दिया। अलेक्जेंडर उसी का जन्म क्रीमिया के सिम्फरोपोल शहर में हुआ था। साल 2014 में पुतिन के इशारे पर रूस की फौजों ने क्रीमिया पर हमला किया था, पूरे क्रीमिया को पुतिन ने फतेह कर लिया था। क्रीमिया भी यूक्रेन का ही हिस्सा था। क्रीमिया पर हमले के बाद भी उस वक्त अलेक्जेंडर उसी ने खुद को शांत रखा, लेकिन जब फरवरी के महीने में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें फटने लगी और जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, तब अलेक्जेंडर उसी ने एक बड़ा फैसला किया। अलेक्जेंडर उसी ने सेना की वर्दी पहन ली और यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा बलों में शामिल हो गए। Ли будинки, де живуть люди, ніякі воєнні бази чи інфраструктури там немає. Це торгові центри, це лікарні, це звичайне місто, де немає ніяких воєнних предприятий чи чогось того, що може робити воєнну техніку. अलेक्जेंडर उसी की ताकत को देखते हुए रूस ने अपने बॉक्सर व्लादिमीर मिनेव को भी जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। व्लादिमीर मिनेव रूस के एमएमए फाइटर हैं। एमएमए का मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, यानी व्लादिमीर मिनेव रिंग में मार्शल आर्ट के जरिए अपने दुश्मनों को पटकनी देते हैं। एमएमए फाइटर व्लादिमीर मिनेव भी बहादुरी के कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। मिनेव रूस के देगिस्तान प्रांत का लड़ाका है। मिनेव का भाई यूक्रेन में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था और मिनेव को भी इसलिए रूस की सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया है ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। व्लादिमीर मिनेव ने युद्ध में जाने की पुष्टि भी की थी। मिनेव ने अब असली युद्ध लड़ने का संकल्प लिया है। 32 साल के मिनेव का एमएमए करियर
काफी शानदार रहा है। वो अब तक कुल 16 फाइट जीत चुके हैं, जबकि उन्हें सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पुतिन विरोधी कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने मिनेव के बारे में ये खबरें भी दी हैं कि मॉस्को में उनका पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस एक ऐतिहासिक युद्ध में है और इस युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं के नाम भी इतिहास में दर्ज किए जाएंगे।